वो कभी खाकी पहनकर मजलूमों की हिफाजत करने का सपना संजोकर पुलिस में आया था, लेकिन पुलिसिया सिस्टम में आकर उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये महकमा भी बाहुबलियों और माफियाओं के आगे मजबूर है। यहाँ सिक्का तो सिर्फ माफियाओं का ही चलता है। फिर क्या था, खाकी छोड़कर वो बन गया माफियाओं का हमदम और देखते ही देखते इलाके में माफिया का रुतबा भी हासिल कर लिया। लेकिन जल्द ही उसे यह भी समझ में आ गया कि जरायम की दुनिया सियासत की सरपरस्ती पर ही चलती है। बस फिर क्या था, कहते हैं ना सियासत भी बड़ी अजीब चीज है, सियासत करते करते कब आप इसके शिकार हो जाते हैं आपको इसका इल्म नहीं होता। जी हाँ, दरअसल ये कहानी है पूर्वांचल के माफिया अजय सिंह सिपाही की, जिसे अंबेडकर नगर की पुलिस ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से गिरफ्तार किया है। अजीत सिंह की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में की गई है जब उसकी नजदीकी बीजेपी से लगातार बढ़ रही थी। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन में वो कटहरी से टिकट का एक बड़ा दावेदार था। गैंगस्टर कोर्ट के एक वारंट के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद माफिया अजय सिंह सिपाही कह रहा है कि उसे सियासत का शिकार बनाया गया है और कुछ लोग नहीं चाहते कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, इसलिए उसे जेल भिजवाया जा रहा है। मेरी हत्या करानी साजिश रची जा रही है और उदय द्विवेदी मेरी हत्या करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव ना लड़ूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेरा पूरा परिवार जाएगा दो दिन बाद, हम निर्णय लेंगे, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मेरी अनुज बधु शालिनी सिंह चुनाव लड़ेंगी, वो अभी दो तीन दिन बाद मैं निर्णय लूंगा। करीब 10 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखने के साथ अजय सिपाही ने पूर्वांचल के बाहुबली विधायक अभय सिंह से दोस्ती कर ली। सपा के सत्ता में आने के बाद अभय सिंह के करीबी अजय सिंह पर पुलिस हाथ डालने से कतराने लगी। विधायक की बदौलत पूर्वांचल के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आकर अजय ने अपनी ताकत को और बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब अजय ने फैजाबाद के एक बाहुबली बसपा विधायक से दोस्ती की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी तो ये बात अभय सिंह को नागवार गुजरी। अपने दुश्मन से दोस्ती करने और आजमगढ़ के सपा के एक काबीना मंत्री के अपने विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी देख अजय सिंह सिपाही को एसटीएफ के शिकंजे तक पहुंचाने में अभय सिंह ने अहम भूमिका निभाई। वहीं अभय से नाराजगी के बाद बाहुबली अजय सिपाही ने पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह से दोस्ती कर ली और राजनीतिक पैंतरा सीखने लगे। सुल्तानपुर के बहुचर्चित दीवानी के दोहरे हत्याकांड की वारदात के बाद सुर्खियों में आए बाहुबली अजय सिंह ने सुल्तानपुर के बाद अंबेडकर नगर में राजनीतिक धरातल की तलाश शुरू कर दी। अपराध की दुनिया से रुख मोड़ने के बाद 2015 में पंचायत चुनाव के जरिए उसने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी से अजय सिपाही कटहरी से ब्लॉक प्रमुख बना तो बहु शालिनी को भीटी चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य बनाने में कामयाब रहा। सरकार बदली तो समीकरण बदले और 2017 के चुनाव में अजय ने निषाद पार्टी से कटेरी विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2021 के पंचायत चुनाव में अजय सिपाही की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ी और उसने भीटी से अपने सहयोगी अमरेंद्र पाल को बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाया। चुनाव में अमरेंद्र ने जीत हासिल की। उसके बाद मौसम वर्मा को अपने प्रभाव के चलते कटेरी में ब्लॉक प्रमुख बनवा लिया। बस यहीं से कटहरी में उसकी दावेदारी और ज्यादा मजबूत होने लगी और अभी हाल ही में लखनऊ में हुई निषाद पार्टी की रैली में अमित शाह के साथ सिपाही अजय सिंह की मौजूदगी के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के सीने पर भी सांप लौटने लगे। बस फिर क्या था, उसे रास्ते से हटाने की योजना तैयार हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सिपाही अजय सिंह को जेल भिजवाने में लगे थे। उसका जवाब भी अजय सिंह ने दिया और उसने बताया कि कैसे वो अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से टिकट का प्रबल दावेदार था। फिर मैं अभी 17 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी के कहने पे अमित शाह जी की रैली में मैं अपने पूरी भीड़ भड़क में पहुंचा था। 18 तारीख को माननीय जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम था अंबेडकर नगर में, वहाँ हमारे कई हजार लोग पहुंचे थे। 20 तारीख को अमृत महोत्सव प्रोग्राम था आरएसएस का, वहाँ मैं पहुँचा था। उसको लेकर के वहाँ के पूर्व भाजपा प्रत्याशी उदय द्विवेदी जी जो लगातार 5 साल मेरी हत्या करने में आमादा है, मेरे परिवार को बर्बाद करने में आमादा है, वो चाहते हैं मैं विधानसभा चुनाव न लड़ पाऊँ, इसलिए उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करके
यहाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, उसको उसका ब्रेन में ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, वहाँ गया था उसका इलाज चेकअप कराने लिए मैं जाता हूँ। यहाँ 17 को 16 को यहाँ वारंट कराया जाता है इतनी जल्दी कि मुझको यहाँ पकड़ने लिए पुलिस वहाँ भेज दी जाती है। बालाजी में दर्शन करने गया था, वहाँ से परिवार हम लोग थे, वहाँ परिवार भी पीछे है गाड़ी में। मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है और धीरे द्विवेदी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव ना लड़ूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेरा पूरा परिवार जाएगा 2 दिन बाद, हम निर्णय लेंगे, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मेरी अनुज बधु शालिनी सिंह चुनाव लड़ेंगी, वो अभी 2-3 दिन बाद मैं उसका निर्णय ले बताऊंगा। मेरे पापा के ऊपर फालतू में कार्रवाई की जा रही है, तो उसको देखे कि क्यों की जा रही है, क्योंकि हम लोग बस डॉक्टर को वहाँ पे दिखाने गए थे दिल्ली में, उसके बाद हम लोग लौटे कि बालाजी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मास्क निकालने गए गाड़ी से, तब तक पापा को ये लोग ने अरेस्ट कर लिया। और ये वारंट अभी कैसे हुआ, जब इतने साल पहले से वारंट था तो अभी क्यों निकाला गया? ये सब इलेक्शन के, जब इलेक्शन आने वाला होता है तभी सब कुछ होता है। पिछला चुनाव भी वो कटेरी से निषाद पार्टी के टिकट पर लड़ा था लेकिन हार गया था, मगर इस बार जबरदस्त तैयारियों और बीजेपी से नजदीकियों के चलते उसे उम्मीद थी कि उसे कटेरी से टिकट मिलेगा, लेकिन वहीं के कुछ बीजेपी नेता हैं जिन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए जेल भिजवाया। जेल जाते आते अजय सिपाही ने बीजेपी नेता अभय द्विवेदी और अवधेश द्विवेदी पर अपनी हत्या कराने की आशंका जताई। अस्तित्व न्यूज के लिए प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।